नमस्कार दोस्तों, आज आपको जानकारी देंगे पेड़ के बारे में। जो आप अपने घर पर पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको क्या वृद्धि होता है। यदि आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या हुआ है, तो आप सबसे पहले पेड़ को लगाना स्टार्ट कर दें। और कौन कौन सा पेड़ अपने घर पर लगाते हैं और इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है, वो हमें कमेंट में बताएंगे। आप लगाने के बाद हमें कमेंट पे बताएंगे कि ये पेड़ लगाएं, इससे हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा होने लगा। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आपको केले के पेड़ के बारे में। तो केला के पेड़ अपने घर पर आप यदि लगाते हैं तो इससे आपको क्या वृद्धि होता है और इसे कैसे कौन सा दिशा में लगाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप जानें कि कौन सा दिशा में लगाना है। तो ये लगाना है आपका ईशान कोण में। ईशान कोण यदि आपका किसी भी तरह से ऊंच नहीं है तो उस जगह में आप लगाते हैं ईशान कोण में, तो आपका वहाँ से वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा पूजा करने के लिए विधि बताते हैं। बृहस्पति के दिन में आपको क्या करना है, जल लेकर थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गंगा जल लेकर इसे सींचना है, यानी कि इसे पानी वगैरह डालना है, पूजा करना है और शाम को घी का दीपक जलाना है। इससे आपका देखेंगे समय का इतना अच्छा आपका उन्नति होगा। और इसके नीचे क्या लगाना है तो आप देख सकते हैं, ये तुलसी को लगाना है। साथ में तुलसी को लगा लें, छोटा तुलसी हो या बड़ा तुलसी, ये दोनों को सींचेंगे तो आपका व्यापार में अच्छा चलेगा और आपको आर्थिक स्थिति से आप ठीक होंगे। तो दूसरा आपको बता रहे हैं सम्मी के पेड़ के बारे में। यदि सम्मी का पेड़ अपने घर पर आप लगाना चाहते हैं तो यदि आपका बाहरी गेट में जगह है तो आप उसी जगह में चुने। तो सम्मी का पेड़ आप कौन सा दिशा में लगाएंगे, यदि आपको बाहरी गेट पे जगह है तो आप इसे राइट हैंड में लगाएं। जब आप इन करेंगे तो आपका राइट हैंड पहला होना चाहिए और इसे बाहरी गेट में, सम्मी का पेड़ बाहरी गेट में ही लगाते हैं। यदि आपको बाहरी गेट में जगह नहीं है तब आप छत वगैरह में लगाएं। और इसे लगाएं आप उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में लगाने के बाद इसके नीचे यदि आपको साथ में पेड़ लगाना है तो आँख का पेड़ साथ में लगाएं, क्योंकि कहते हैं सम्मी का पेड़ के साथ में आँख का पेड़ यानी अकमन का पेड़ साथ में लगाने से कहते हैं ये दोनों पति पत्नी हैं। और इससे आपको जो कर्ज से आप परेशान हैं, आए दिन आपका कर्ज हो रहा है तो कर्ज से मुक्ति दिलाता है। यदि शनि का आपको साढ़े साती है और या राहु केतु का आपका ग्रह चल रहा है तो इससे पूजा करने से, जल ढालने से आपको जब किरण ना होगे और आप पूजा करते हैं तो इससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा। अब है दोस्तों बेल का पेड़। बेल का पेड़ यदि आप अपने घर पे लगाते हैं तो इसका बख्यान बहुत है, क्योंकि कहते हैं, ये ग्रंथों में कहते हैं, जिसका घर में बेल का पेड़ हो उसका घर कहते हैं तीर्थ का समान है। यदि बेल में आप पानी नित्य दिन डालते हैं तो इससे आपका क्या होगा, यदि कोई भी तरह से आपका भाग्य उज्जवल नहीं हो रहा है, इसे सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं ना कि भोले बाबा या भगवान दिखता नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष में है हमारे वृक्ष। वृक्ष को जितना आप सेवा करेंगे और इससे बातें करेंगे भगवान को, ये वहाँ तक आपका आवाज़ को पहुँचाएगा। और ये चीज़ देखेंगे कि हमारा किसी भी तरह से कुछ भी कर रहे हैं, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रहा, हमारे बच्चे ठीक नहीं हो रहा, हमारे पति ठीक नहीं हो रहा, तो इससे आप देखेंगे, आप 15 दिन इसे कर देखें, पूजा कर देखें, इनसे बातें कर देखें, घन धूप दिखा कर देखें और बेल का पौधा अपने घर पर लगा कर देखें और आप 15 दिन में हमें रिजल्ट बताएंगे, तो कहेंगे कि हाँ, आप एक बताए थे कि बेल का पौधा हमारे घर में लगाने से और इनसे बातें कर इनका पूजा कर इनका सुबह शाम पूजा कर गन धूप दिखाकर हमारा जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही नाजुक था, लगता था क्या करें, और इसका पूजा करने से आपको क्या होगा, शक्ति प्रदान होगा, एक शक्ति होगा शरीर में, एक ऊर्जा होगा और उससे आपको क्या हिम्मत भी मिलेगा और इससे आपको जो आमदनी का कम था उसका स्रोत बढ़ेगा और आपका जो शरीर में कष्ट है तो कष्ट को भी दूर करता है। पौधा आपका यदि बड़ा हो जाता है तो इसे मंदिर में आप कहीं लगा दें और फिर से एक छोटा पौधा अपने घर पे लगाएं।
दोस्तों ये पेड़ तो आपको दिखने में लग रहा होगा मामूली पौधा है, पर दोस्तों ये गलत फहमी में ना रहें, जो सदाबहार है, जो खुद में ये सदाबहार है, ये पौधा भी अपने घर पर लगाएं और इससे आप अपने घर का जो भी तंगी है ये दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए सदाबहार है, आए दिन इसमें फूल आता ही रहता है। जब इसके किसी के घर में ये फूल अपने घर पर लगाते हैं, ये देसी हमारा फूल है, तो आपके घर में किसी भी तरह से दलिद्रा फैला हुआ है, लक्ष्मी का निवास नहीं हो रहा है, तो सच कहते हैं इसका एक डाल लगाएंगे तो आपके घर में पौधा तैयार हो जाएगा और इससे आप ढेरों सारे अपना पौधा लगा सकते हैं। कहते हैं तुलसी की ही तरह इसे सींचा जाता है और ये चीज़ आप इसका बख्यान देखेंगे, सदाबहार का बख्यान देखेंगे तो आप लाल किताब में देखें, इसका बख्यान सदाबहार का बहुत ही अच्छा है। और पौधा लगाना तो बहुत ही अच्छा बात है, इसमें शुभ में सदाबहार को भी हम लिए हैं, क्योंकि जब से हम सदाबहार को लगाए हैं तो मेरा तो ठीक है, आपका भी ठीक होगा, इसे आप अपने घर पर ज़रूर लगाएँ। दोस्तों ये रहा हमारा हार सिंगार का पौधा। हार सिंगार का पौधा अपने घर पर आप लगाते हैं तो इससे आपको कहते हैं तीन, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का इसमें निवास होता है और ये भगवान लोक में था, इसे इंसान धरती में भी लाया है। और ये पौधा अपने घर पर लगाते हैं तो आप देखेंगे ठंड के सीज़न में इसमें छोटा छोटा फूल आता है, नारंगी कलर का और वाइट कलर का। इससे आपका क्या होता है, यदि घर में आपका किसी भी तरह से वास्तु ठीक नहीं है, यानी कि गेट सही दिशा में नहीं है, लाइटिंग सही दिशा में नहीं है, आपका घर अच्छा दिशा में नहीं है, तो उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। पर एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, अपने घर पर ये हार सिंगार का पौधा आप लगा लें तो आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। और ये पौधा बहुत ही शुभ है, इस पे सभी देवी देवता का वास है, इसे लगाने से आपका घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगा। और इसे जल आदि आप अर्पण करते हैं तो इस पर हर देवी का आप पर कृपा बने रहेगा। दोस्तों अब आ गया आपका ये अपराजिता। अपराजिता का मतलब है कि किसी से पराजित नहीं होने वाला पौधा। अपने घर पर ये पौधा भी आप ज़रूर लगाएं, ये पौधा में इतना भगवान का, विष्णु भगवान का प्रिय फूल है, माता दुर्गा का प्रिय फूल है। और इसका जड़ का भी आप, यदि आपके घर में बच्चे नहीं पढ़ने लिखने में तेज है तो केवल इसका जड़ का आप माला पहना देते हैं, यानी कि एक जड़ धागा में बांध के उस बच्चे को पहना देते हैं तो पढ़ने लिखने में भी तेज हो जाता है। और ये पौधा अपने घर पर आप लगाते हैं तो कहते हैं कि आप अपने घर से जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है सब दूर हो जाता है और इससे हमारे घर में क्या होता है, देवी देवता का वास होने लगता है। और ये चीज़ आपको दिखेगा कैसे, जब अपने घर पर आप पौधा लगाते हैं तो इसके वजह से आपका घीचा चलाता है, छोटा छोटा चिड़िया हो गया, भंवरे हो गया, भगवान तो दिखता नहीं है पर ये सब आप पेड़ पौधा लगाते हैं तो वो सब आपको देखने के लिए मिलता है। और जब भी आप अपने गार्डन में आएंगे तो आपका मन एक प्रसन्न हो जाता है, कहता है ना जहाँ अच्छा ऊर्जा रहता है वहाँ आपका मन हमेशा बढ़िया रहता है। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।